और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, नई वीडियो के साथ, नई मुलाकात, नई गेमों के साथ। तो जनाब, आज का दिन बड़ा स्पेशल है। आज है आपके भाई का हैप्पी बर्थडे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज आपका भाई जो है वो पूरे 30 साल का हो गया। अच्छा, अब जब हम इस्तांबुल आए थे तो आपसे जिक्र हुआ था कि इस्तांबुल आने की जो है ना वो 2-3 रीजंस थी, और ये प्लान बनाने की और यहाँ आने की वो 2-3 रीजंस क्या थे। एक तो ये थी कि हमारी बेगम को इस्तांबुल का बड़ा शौक था, उनको इस्तांबुल देखना था। दूसरा, हमारी बर्थडे भी थी, तो हमने कहा चलें जी, बर्थडे ही सेलिब्रेट करनी है तो इस्तांबुल ही चलता है। तो जनाब हम आ गए इस्तांबुल। अच्छा, अब मैं इस वक्त हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट पे, और यहाँ से हम लोगों ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की, अगली गेमों के ऊपर जाना है। तो चलें जनाब, मैं भी सेलिब्रेट करूँगा अपना बर्थडे और आप भी सेलिब्रेट करेंगे मेरे साथ। तो आज हम बर्थडे की गेमें डालते हैं। तो चलें जनाब, कैब लेकर हम पहुँच तो गए हैं, लेकिन हमारी जो आदत है ना वो कुछ ठीक नहीं है। तो हम जनाब अली थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा तो नहीं, तकरीबन आधा घंटा लेट हुए हैं जितना एक के मुझे पता है। अब गेम क्या है वो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये है कि हम पाकिस्तानी ऐसे ही मशहूर नहीं हैं, हम कहीं पे भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हमारा ये बड़ा मसला। तो खैर जी, पहुंच गए हैं, बाकी गेमें फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ अब क्या है, आप भी देखेंगे मेरे साथ ही। चले जी, तो बर्थडे की गेम नंबर 1 प्राइवेट यॉट, ये हमारी बेगम ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज की है। तो स्पेशल थैंक्स टू आवर बेगम फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल सरप्राइज। तो प्राइवेट यॉट का सीन ये है कि वी हैव बुक्ड एन एंटायर यॉट फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन। तो जनाब हमारी तो गेमें हैं ही, लेकिन हमारी बेगम की हमारे से भी ऊंची गेमें हैं। तो beyond it ये जी हमारा नाम बॉस्फोरस ब्रिज के सबसे मशहूर बॉस्फोरस ब्रिज ही है मेरे ख्याल से। तो बॉस्फोरस ब्रिज के ऊपर जनाब हमारा नाम, इनको कहते हैं अल्टीमेट गेमें, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर बेगम। सो टुनाइट वी ओन द बॉस्फोरस ब्रिज। तुर्की की हम बात करें और इस्तांबुल की बात करें, तो एक
एक नाम जो पॉपअप करता है, और जब मतलब अगर आप इस्तांबुल में हो, आप तुर्की में हो और आप वो गेम ना करें तो तुर्की की गेम पूरी होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग सॉल्ट बे के नाम से इस बंदे को जानते हैं, और एक रेस्टोरेंट की चेन जो है उस वो बंदा रन करता है। नुसरत की बात मैं कर रहा हूँ। इस्तांबुल का वन ऑफ द इस्तांबुल का अगर मैं कहूँ तो गलत होगा, दुनिया का इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सन बाय द नेम ऑफ सॉल्ट बे। हमारी आज की दूसरी गेम बर्थडे सेलिब्रेशन की वो है फाइन डाइनिंग एट नुसरत। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं सॉल्ट बे को बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ, और जिस दिन हम तुर्की पहुँचे, लकीली वो भी इस्तांबुल में ही था, अनफॉर्चुनेटली हमारी लक ऐसी है या कह लें कि वो लिखा हुआ नहीं था, तो ही हैज़ फ्लोन टू लंडन। उसका वहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, तो ही इज़ इन लंडन राइट नाउ। नहीं तो जिस जगह की हमारे पास है रिजर्वेशन है, यहाँ पर वो डेफिनेटली होता है और यहाँ पर वो खुद भी सर्विंग करता है। तो इस्तांबुल अगर आप आएँ तो लाजमी नुसरत को विज़िट करें। इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्लेस विद वन ऑफ अ काइंड पर्सन। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट स्टिल इनकी गेम में नेक्स्ट लेवल है। तो जनाब अब खाना चाना आ गया, खाना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम ये खाना ट्राई करेंगे और आगे खेलेंगे। तो द फेमस नुसरत विद नुसरत मीट, लेट्स टेक दिस नंबर वन। वाओ, नंबर वन, वाओ। अब सॉल्ट बे की गेम पूरी करके अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। बट बड़ा मज़े का ये इस दफ़ा इंसिडेंस हुआ है कि जिस दिन हम इस्तांबुल में लैंड हुए उसी दिन जो है वो सॉल्ट बे यहीं पे था, नुसरत यहीं पे था जिस दिन हम लैंड हुए, और उससे अगले दिन या शायद उससे अगले दिन वो लंदन चला गया। तो यही जब मैंने अभी अंदर इन रेस्टोरेंट वालों के साथ शेयर किया तो वो बड़ा अमेज हुए और उन्होंने कहा ओहो अगर आपका बर्थडे था तो कोई बात नहीं, बट हमें ये सुन के बड़ा वो हुआ, वी आर रियली सैड के आपने इतने क्लोज कॉल से जो है ना वो नुसरत को मिस किया। नहीं तो नुसरत यहीं पे होता है और ही मीट्स पीपल यूजली। तो एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को मिलता है या वो सिर्फ बहुत बिग फिशेस को मिलता है, ऐसा नहीं है। वो रेस्टोरेंट के अंदर ही होता है, इट इज़ जस्ट अबाउट द टाइमिंग के आप कितने लकी होते हैं उसको ट्रैक करके उस जगह के उस रेस्टोरेंट पे पहुंचने में। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अच्छा, अब दूसरी बात, मेरे साथ शायद इस बात के ऊपर वो लोग एग्री करेंगे जिन्होंने यहाँ पर डाइनिंग किया है, हमारी बेगम को तो पसंद नहीं आया, वो कहती है गोश्त कच्चा था। तो यार सीन ये है कि अगर तो आप सही कुक हुआ हुआ गोश्त खाने के आदि हैं तो फिर तो आपको गोश्त कच्चा ही लगेगा, फिर तो आप ना आइएगा क्योंकि फिर आप गालियां देंगे, क्योंकि फिर आपको गोश्त कच्चा लगेगा और जब आप बिल देखेंगे तो आप कहेंगे यार इतना बिल पे कर दिया और गोश्त भी सही तरह नहीं पका हुआ था। तो ये सीन है, वो एक ब्रांड है और एक स्पेसिफिक टाइप की रेसिपी के ऊपर स्टेक्स को कुक करता भी है और यहाँ पर होता भी है, तो इसलिए मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। और जहाँ तक बात है कि मीटिंग नुसरत, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, पकड़ लेंगे उसको कहीं ना कहीं, वो तो गेम हमने करनी करनी है। तो जनाब ये थी आज की गेमें, अब हम जाएंगे होटल वापस तकसीम वाली साइड पे। जनाब तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 1:45 हो गए और मेट्रो का स्टेशन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली।
तो मेट्रो के स्टेशन खाली भी होते हैं। गुड। अब रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी भी तकसीम का और इस्तकलाल स्ट्रीट का वही हाल है जैसा हाल दिन या शाम के टाइम होता है। तो यहाँ पर जनाब आवाम नहीं सोती, इस चीज़ की तो हमें कंफर्मेशन है। इसी जगमग में जी हम सारी गेमें पूरी कर करके वापस आ गए हैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे। अब जा रहे हैं होटल, काफ़ी ओवरलोड गेमें थी आज की, और यहाँ पर आकर यहाँ पर आवाम को देख कर ना एनर्जी जो है ना वो वैलिडेट और रिवाइटलेट हो जाता है बंदा। तो खैर जी, इसी के साथ आज की बर्थडे की वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बर्थडे की जो गेमें हैं वो हो गई हैं ख़त्म, ओवरलोड गेमें। तो जनाब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ, क्योंकि अभी तो हम इस्तांबुल में और अभी गेमें ऑन है। तो इसी के साथ जनाब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी के साथ जनाब मुझे दें इजाज़त तब तक के लिए। Oh.